हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया था, क्षेत्रफल और परिमाप क्या है। आज मैं आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताऊं। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी ये क्या हुए? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई है, यही ऊंचाई हो जाएगी जो लंब होती है। ये आधार होता है, ये करण। करण हमेशा 90 डिग्री सामने का हमेशा करण होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्र 1/2, आधार क्या है? ए, ऊंचाई है बी। परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके उल्टू होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। संपूर्ण त्रिभुज ये होता है, ए वी सी 90 डिग्री के साथ। ये हमारा आधार हो गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल। 1/2 आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर, 2 × 12 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गए। ये हमारे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी, ए बी और बी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 अंडर रूट 4b² - a². परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस टू बी। समद्विबाहु त्रिभुज सम्माने दो भाव माने दो भुजाएं, सम्माने समान दो भुजाएं समान होती हैं, ये बी भी, तो इनका परिमाप होगा ए प्लस टू बी। एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दो भुजाएं क्या है? समान है। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं समान है क्योंकि बी भुजा कौन सी? बी 10 सेंटीमीटर और ए 8 सेंटीमीटर, दोनों भुजाएं समान है, यानी कि बी बराबर और ए बराबर और सी बराबर।
हमें निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए बटा फोर अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कितना दिया है 8 बटे 4 4, बी कितनी है दिया 10 10 का वर्ग, ए दिया 8 8 का वर्ग, 4 टू जा 8 2 10 10 आवन 100, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 8 का वर्ग 64, 2 गुणा 100 की और 4 की गुणा करेंगे 400 माइनस 64, 2 गुणा घटाए 336, ये यहाँ घटा के देखेंगे 64 10 में 4 गया 6 6 9 में 3 गया 6 गया 336 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2 गुणा इसका वर्गमूल आएगा 18.33, यानी दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6 18 में 36.36। छत्तीस पॉइंट छः छः सेंटीमीटर स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप होता है a प्लस 2b। a कितना दिया है 8 सेंटीमीटर प्लस 2, b कितना दिया है 10 सेंटीमीटर गुणा 10, 8 10 गुणी 20 20 8 28 सेंटीमीटर। ये आ गया हम समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप।